नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं सोनभद्र की, जहां स्थानीय डाला पुलिस चौकी क्षेत्र के डाला मलिन बस्ती में जन चौपाल लगाकर महिलाओं को जागरूक किया गया। बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिला सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान, महिला स्वावलंबन व वर्तमान परिवेश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध के रोकथाम के लिए महिलाओं की सुरक्षा के तहत गांव-गांव में व मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला आरक्षी जोहरा बेगम ने बताया कि डाला क्षेत्र के मलिन बस्ती डाला में जन चौपाल लगाया गया और महिलाओं से महिला पुलिसकर्मी द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया। साथ ही महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध एवं घरेलू हिंसा उत्पीड़न के संबंध में जागरूक किया गया। महिलाएं अपनी समस्याओं को खुलकर नहीं बता पाती हैं, इसलिए मिशन शक्ति के तहत प्रत्येक थाने पर एक महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिला संबंधित समस्याओं को सुना जाएगा एवं उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट महिला पुलिसकर्मी द्वारा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। महिला एवं बच्चियों के सुरक्षा हेतु प्रत्येक थाने पर एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन किया गया, जिसके तहत आरक्षी महिला टीम द्वारा मन बढ़ो एवं मन चलो पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न एवं अन्य महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर कार्यवाही के संबंध में भी बताया गया। महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए 112 10 90 181 टोल फ्री नंबर के संबंध में भी जागरूक किया गया। इस दौरान जोहरा बेगम, कांस्टेबल आलोक पांडे, कांस्टेबल आनंद गोंड शामिल रहे। जैसे 1090 है, 176 है, 102 है, 108 है, 108 है, तमाम प्रकार के बताए गए हैं। मोबाइल से भी डिस्टर्ब कर रहा है, कोई फोन कर रहा है, कोई तो मतलब कॉल कर दीजिए, फोन कॉल करिए। कोई लड़का परेशान कर रहा है, उसको बताइए। स्कूल में जा रही है, कोई बार बार छेड़ रहा है, उसको बताइए। आपको